बोकारो के नवाडीह में आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने बूथ स्तरीय प्रभारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आजसू पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बूथ की मजबूती को लेकर ही ये कार्यक्रम किया गया, ताकि लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में भी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करे। वहीं बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर देव शरण भगत ने कहा कि रिश्ते की बात गार्जियन से की जाती है, न कि कैंडिडेट के साथ। इसके बाद कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और आजसू का केंद्रीय नेतृत्व बैठकर सीट शेयरिंग पर बात करेगा। तो मजबूती के साथ लड़ना चाहते, हम भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहते, मजबूती के साथ परिणाम की ओर जाना चाहते, और परिणाम में जाने के लिए बूथ के प्रभारियों का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अभी चर्चाएं बहुत सारी चलते रहती हैं, चल भी रहा है लोग कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, कहां कहां लड़ेंगे, ये खूब चर्चा चल रहा है। हम इन बातों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहेंगे कि रिश्ते की बात गार्जियन से होता है, कोई कैंडिडेट से तो डायरेक्ट नहीं करता है, अभिभावकों से गार्जियन से ही रिश्ते की बात है। और गठबंधन के संदर्भ में राज्य गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ही निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होता है पंच के बीच होता है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि 2014 और 2019 की परिस्थिति अलग है। इस बार 65 पार का नारा दिया गया है, जबकि पिछली बार 41 पर पार्टी को संतुष्ट होना पड़ा था। वहीं इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिरकत की और उन्होंने सभी बूथ प्रभारियों से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।